हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका है उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये जो है हमारी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है जिसमें ए बी और सी कोई कॉन्स्टेंट नंबर, कुछ नंबर्स होंगे, कोई कॉन्स्टेंट टर्म्स होंगी। तो ये हमारी जो जनरल फॉर्म है इसमें ए बी और सी जो नंबर्स हैं इसके इसके बेसिस पे हम लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसमें सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को जो शो करने का तरीका है डिस्क्रिमिनेंट को, वो है हमारा कैपिटल डी। तो कैपिटल डी से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को शो करते हैं और इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब जो x का कोफिशियंट है, x के कोफिशियंट का स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इंटू जो कांस्टेंट टर्म है c। तो इन तीनों, इस फॉर्मूले से हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया यहाँ पे, इसके बाद जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लोगे तो उसके बाद आपको x फाइंड आउट करना है। मतलब जिसकी जिस भी वेरिएबल का आपके पास इक्वेशन दे रखा है, अगर x का इक्वेशन दे रखा है तो x फाइंड आउट करोगे, y का दिया है तो y फाइंड आउट करोगे। तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं जनरल फॉर्म को कंसीडर करूं तो इसके लिए आपके पास x जो है वो वेरिएबल है। तो x का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। तो यहाँ से जब आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा वहाँ से आप x फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले में पुट करके। ये जो फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे आप d का वैल्यू पुट कीजिएगा और वहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएंगी। x की दो वैल्यू आएंगी, एक बार जब आप प्लस अंडर रूट डी लेंगे इस फॉर्मूले में यहाँ पे, और एक बार जब आप माइनस अंडर रूट डी लेंगे तो एक दो वैल्यूज आ जाएंगी। दो वैल्यूज इसलिए आएंगी क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है इक्वेशन की, वो कितनी है आपकी, वो है 2। तो डिग्री 2 होने की वजह से आपका जो वेरिएबल की जो रूट्स आएंगे, जो मतलब इस इक्वेशन के जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे आपके 2। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपके पास डी की तीन वैल्यू आ सकती हैं, तीन पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी आर डी कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इट कैन बी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन जीरो। वन थिंग इज डी कैन बी ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका जीरो से बड़ा हो सकता है, डी जो है वो आपका इक्वल टू जीरो हो सकता है और डी जो है वो लेस देन जीरो हो सकता है। ये तीन पॉसिबल वैल्यूज है कि जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब डी आपका पॉजिटिव हो, तो उस टाइम पे जो आपके आंसर्स आते हैं, जो उस टाइम पे आपके आंसर्स आएंगे, वो आंसर्स आपके आएंगे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स। जब आपका डी इक्वल्स टू जीरो है, जब डी इक्वल्स टू जीरो आएगा वहां पे दो रियल रूट्स आएंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। लेकिन जो रूट्स आएंगे वो आके आएंगे आपके, वो इक्वल आएंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। और जब आपका डी का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, मींस जब डी जीरो से लेस है, लेस देन जीरो, तो उस टाइम पे नो रियल रूट एग्जिस्ट, उस टाइम पे आपके रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तीन पॉसिबल चीज़ें हैं जो डी, जब आप डी फाइंड आउट करोगे तो ये तीन पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं कि या तो आपका जो डी हो वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो वहाँ पे दो जो आंसर आएंगे आपके वो डिस्टिंक्ट आएंगे। जब डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी तो उस टाइम पे आपके दो आंसर जो आएंगे वो इक्वल आएंगे, और जब डी लेस देन जीरो आएगा तो यहाँ पे आपका इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इमेजिनरी रूट्स निकालने का फॉर्मूला अभी हमें पता नहीं है, तो हम लोग बस डी का वैल्यू अगर नेगेटिव में आ गया तो वहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देंगे।
ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे और इन डी का डी की जो तीन पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इनके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक से। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला इसी को कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसके बेसिस पे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, यह है 3x² - 2√6x + 2, और इसको आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। तो सबसे पहले तो आप ए बी और सी लिख लीजिए। तो ए जो मेरा है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट मेरे पास है 3। फिर b देख लीजिए, b क्या है, b है मेरे पास -2√6। यहाँ पे बहुत गलतियाँ होती हैं कि आपको विद साइन लेना होता है, जो भी कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर का या x का या जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो आपको विद साइन लेना है। तो b का वैल्यू हो जाएगा -2√6। अब c का वैल्यू क्या है आपके पास, जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो है आपके 2, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो d का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इट विल बी b² - 4ac। अब पुट कर दीजिए इनकी वैल्यू, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है, -2√6 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 × a का वैल्यू है 3 एंड c का वैल्यू है 2, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब -2√6 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इज 4 एंड 4 6, सर रूट 6 का स्क्वायर इज 6, तो ये हो जाएगा 24, 4 × 6 = 24, और माइनस 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, अगेन 24, 24 - 24 विल बी 0। तो जैसे ही आपका d का वैल्यू आया 0, d का वैल्यू आ गया आपका 0, तो d का वैल्यू 0 आने से आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि इसके दो जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, एंड इक्वल रूट्स, इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। चलिए रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जब आप रूट फाइंड आउट करोगे तो आप x के फॉर्मूले में पुट करोगे, तो x का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, बताया था -b + -√d/2, ये आपका x का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू, अब बी का वैल्यू देखिए क्या था, -2√6, तो विद साइन लेंगे -2√6। एक तो फॉर्मूले का माइनस है ये वाला, ये जो माइनस है ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और -2√6 ये बी का वैल्यू है, +-√d, तो √d का वैल्यू था 0 आपने फाइंड आउट किया था, तो वो 0 आ गया, अपॉन 2 × a, 2 × और a का वैल्यू था आपके पास 3, तो आप इसको 3 पुट कर देंगे, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 ± 0/6, राइट। तो इसको जैसे ही आप, दो आंसर्स आपको लेके आने हैं, तो एक बार आप रखेंगे x का वैल्यू 2√6 + 0/6, और एक बार आप रख लीजिए x का वैल्यू 2√6 - 0/6। बाय द वे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस जीरो और माइनस जीरो आंसर सेम रहेंगे आपके। तो ये आ गया 2√6/6, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आया √6/3, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2√6/6, और आंसर आ गया आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी आ गया √6/3। तो आपको पता है कि जब आपका डी का वैल्यू, जब आपके डी का वैल्यू 0 होगा तो दो इक्वल रूट्स आएंगे। तो जब आपने सॉल्व किया इसको और डी का वैल्यू चेक किया तो डी का वैल्यू आया था 0। डी का वैल्यू 0 आने से जब लास्ट में आपने एक्स फाइंड आउट किया तो एक्स के वैल्यू आप देख सकते हैं कि √6/3, √6/3 दोनों सेम वैल्यू आई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, सो यहाँ पे है 4/(x-3), क्वेश्चन है आपका 4/(x-3) = 5/(2x+3),
ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसको क्वाड्रेटिक, जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड ले आते हैं ना। तो एक्स वाली टर्म क्या है आपकी, 4 अपॉन x, और ये माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3, ठीक है। और 3 को राइट हैंड साइड पे मैं लेके जा रही हूँ, तो इज इक्वल टू 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर लेते हैं, इनके एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x और ब्रैकेट में 2x प्लस 3, ये आ गया आपका एलसीएम। जब आप एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है कि जब आप एलसीएम लेंगे इसका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, प्लस 3, ओके। सो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 2x प्लस 3 है, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा 4 के साथ, और ये x चले जाएगा इधर 5 के साथ। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये हो जाएगा 8x प्लस 12 माइनस 5x विल बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 8x माइनस 5x विल बी 3x प्लस 12, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, x अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 3x, करेक्ट, विल बी इक्वल्स टू 3। अगेन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 3 × 2 = 6x² + 9x, सही, ओके। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में मैं जीरो रख रही हूँ, जीरो कर रही हूँ, और ये हो जाएगा 6x² + 9x माइनस 3x - 12। क्या किया आपने, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, 6x² + 6x - 12 = 0। चाहे तो आप इसी को, इसी में से ए बी और सी फाइंड आउट कर लीजिए। और मैं चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन सब में 6 कॉमन है, तो मैं क्या करती हूँ, इन सब में से 6 कॉमन ले लेती हूँ बाहर, और अंदर आएगा आपका x² + x - 2 = 0। और ये जो 6 है ये राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा आपका। तो जो आपकी फाइनल इक्वेशन आई वो आई x² + x - 2 = 0। अब यहाँ से आप ए बी और सी लिख लीजिए कि क्या क्या आपके पास ए बी और सी की वैल्यू है। तो ए का वैल्यू है मेरे पास 1, विच इज़ कोफिशियंट ऑफ x², बी का वैल्यू इज़ अगेन 1 कोफिशियंट ऑफ x, एंड सी का वैल्यू इज़ -2। अब आपको इन सब का वैल्यू पता चल गया, अब क्या कीजिए, जब ए बी और सी पता चल गया तो डी फाइंड आउट कीजिए। तो डी इज इक्वल्स टू, आपको पता है डी का फॉर्मूला इज b² - 4ac, ठीक है। यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तो वैल्यू पुट कर लीजिए, बी स्क्वायर की जगह रखेंगे आप 1² - 4 × a का वैल्यू इज 1 और c का वैल्यू इज -2, ठीक है। ये आ गया 1, माइनस माइनस विल बी प्लस 8, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 9, ये आ गया आपका d का वैल्यू। अच्छा, अब d आपको पता है, d आपको पता चल गया, d is equals to 9। तो जब d आ जाएगा उसके बाद आपको x कैलकुलेट करना है। तो x के लिए आप क्या करेंगे, देखिए x के लिए क्या करेंगे आप, x की जगह पे x के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये होता है -b + -√d/2a। वैल्यू पुट कीजिए, माइनस बी का वैल्यू इज 1, प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो प्लस माइनस अंडर रूट 9 / 2 × a, सो 2 × 1, ठीक है। आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूले में। तो उसके बाद देखिए, जब आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं फॉर्मूले में, या तो आपने वैल्यूज पुट कर दी है फॉर्मूले में, उसके बाद देखिए ये हो जाएगा -1 + -√9 का वैल्यू इज 3 / 2। तो यहाँ से जो दो वैल्यूज आती हैं आपकी, यहाँ से जो दो वैल्यूज आपकी x की आती हैं वो आ जाती है x = -1 + 3/2, एंड x का दूसरा वैल्यू इज, x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 - 3/2। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/2 विच इज 1, और इधर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 and -3 will be -4/2, द आंसर विल बी -2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आपकी x की आ गई, करेक्ट। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। इसमें ध्यान दीजिए आप,
आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जो न्यूमिरेटर में x है, मतलब जो पहले वाले ब्रैकेट में न्यूमिरेटर है वो दूसरे ब्रैकेट का डिनोमिनेटर है, राइट, और जो पहले ब्रैकेट का डिनोमिनेटर है वो दूसरे ब्रैकेट में न्यूमिरेटर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखिए आप सॉल्व तो इसको वैसे भी कर सकते हैं कि आप एलसीएम ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो उससे बेटर क्या तरीका है, उससे बेटर तरीका है कि आप क्या कीजिए, देखिए आप क्या कर सकते हैं, किसी एक ब्रैकेट को लेट कर लीजिए कोई और वेरिएबल। तो मैं लेट कर रही हूँ 3x-1/2x+3, जो पहला वाला जो मेरा ब्रैकेट है, पहला वाला जो ब्रैकेट है मेरा, उसको मैं लेट कर लेती हूँ, उसको लेट कर लेती हूँ मैं y, इसको मैंने y लेट कर लिया, ठीक है। अब ये हो गया मेरा y, तो अब देखिए अगर इसको मैं a इक्वेशन कह देती हूँ, इक्वेशन a, क्योंकि इसकी मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो इसको मैंने a कह दिया। अच्छा, इसको मैंने लेट कर लिया, इस पूरी इक्वेशन को y। अब जब आपने इसको y लेट किया तो उसके बाद ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट होगा ये क्या है, y का रेसिप्रोकल है, करेक्ट। पहला वाला अगर इस ब्रैकेट को आप y कहते हो तो ये y का रेसिप्रोकल है, करेक्ट। तो आप क्या कीजिए, जहाँ जहाँ पे आपको जो ब्रैकेट है उसको y लिख लीजिए और जो उसका रेसिप्रोकल है उसको 1/y लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी 3y-2 दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ y, 1/y इज इक्वल्स टू 5, ठीक। अब देखिए अब इसको सॉल्व करिए आप, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम y और न्यूमिरेटर में आ जाएगा 3y²-2 इज इक्वल्स टू 5। अब ये जो y है वो राइट हैंड साइड में 5 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y²-2 इज इक्वल्स टू 5y। सॉल्व करने के लिए 3y²-5y-2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में। तो जब आपको जनरल फॉर्म पता चल जाएगी उसके बाद आपको एज इट इज करना है, a लिख लेना है, a इज 3, b लिख लेना है, b इज -5 और c लिख लेना है आपको, c इज -2। जब a b और c आ जाएगा तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे b²-4ac के फॉर्मूले से। तो जब आप b²-4ac का फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ से d आपका मिल जाएगा, d का वैल्यू क्या है आपके पास, d आपको मिल जाएगा, b का वैल्यू है -5² - 4 × a का वैल्यू है 3 एंड c का वैल्यू है -2। सॉल्व कर लेंगे इसको, इट इज 25 एंड प्लस 4 × 8 = 24, तो कितना आया, ये आ गया आपका 49। ये तो आया d का वैल्यू। जब आपका d आ जाएगा तो d आने के बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से x के फॉर्मूले में d को पुट करेंगे, क्या होता है आपका x का फॉर्मूला, x हो जाता, अच्छा वेट अ सेकेंड, इसके लिए देखिए जो आपकी इक्वेशन है वो y की फॉर्म में है, राइट, उसमें वेरिएबल क्या है आपका y, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, y का फॉर्मूला लगेगा। तो y का फॉर्मूला लगा लीजिए आप, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा अगेन -b±√d/2a, ठीक। अब वैल्यू रख लीजिए माइनस बी, बी की जगह पे क्या रखेंगे आप, -5 +/√d, तो √d की जगह पे 49 एंड होल अपॉन 2a, 2 × a का वैल्यू इज 3, तो 2 × 3, करेक्ट। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस माइनस आपका हो गया ये प्लस का 5 +-7² होता है 49, तो 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7/6, करेक्ट। अब दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक तरफ आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5+7/6 और दूसरी तरफ सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 5-7/6। ये दो वैल्यूज आपने रख ली, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज रखने के बाद आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 12/6, द वैल्यू इज 2, y का वैल्यू आ गया 2, ओके। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2, y की एक वैल्यू आ गई 2
और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 माइनस 7 इज माइनस 2, माइनस 2 अपॉन 6 कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आपकी दोनों y की वैल्यू आई, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो x में था, है ना, हमारा क्वेश्चन जो था वो x में था, तो हमें y की नहीं हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, जब y आपका आ गया है तो x की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इस y को कहाँ पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे आप कहाँ पे, अपनी a इक्वेशन में, यहाँ a इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a इक्वेशन क्या थी आपकी, 3x-1, देखिए 3x-1 अपॉन 2x+3 इज इक्वल टू क्या था आपका y। तो y की जगह पे दो वैल्यूज आई हैं 2 एंड माइनस 1 अपॉन 3। तो आप क्या करेंगे, दो वैल्यूज एक बार आप रखेंगे 3x-1 अपॉन 2x+3 इज इक्वल टू 2, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x-1 इज इक्वल्स टू 4x, इट विल बी 4x, 2 2s are 4, 4x plus 6। ठीक है, अब x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए x वाली टर्म्स को एक साइड ले जा लीजिए, तो 3x-4x विल बी -x और 6 + 1 विल बी 7, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से -7। तो एक वैल्यू जो है आपका x का वो आ गया -7। दूसरा वैल्यू कैसे आएगा, अब आप y की जगह पे क्या रखेंगे, दूसरी वैल्यू रखेंगे y की, -1 अपॉन 2x+3 इज इक्वल्स टू, y की दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास, -1 अपॉन 3, तो ये है -1 अपॉन 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए ज़रा, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3 3s are 9x-3 विल बी इक्वल्स टू -2x-3। फिर क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक साइड x वाली टर्म्स को लेके आना पड़ेगा, तो 9x+2x विल बी 11x, करेक्ट, और -3 -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा 0, तो x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। तो x की जो दो वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं 0 एंड -7। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हमने सीखा कि किस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके। कल हम लोग इसके और क्वेश्चंस करेंगे और जिसमें हम लोग इसके के फाइंड, बेसिकली इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स और रियल बट डिस्टिंक्ट रूट्स, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो उस तरह के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।